क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया है 2x+3y इज इक्वल टू 8, आप लिखेंगे 2x+3y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे दिया है 2x, 3y को आप उधर लेके जाएंगे, -3y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा जी, आप देखिए आपको यहाँ इक्वल दिया है, यहाँ भी इक्वल दिया है, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है बेटा कि आपको ये दोनों दिए हुए हैं, सिंपल आप इसे कट कर दीजिए, देखिए ये रहा कट कर दीजिए, इसे लिखिए एट द इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये 2+ का तो माइनस होता है, लेकिन इसमें तो पहले से ही दिया हुआ है, कट कर दिया, तो 2x हो गया 4x, 8 और 2 हो गया 10, x की वैल्यू हो गई 10/4, कट कर दिया 5/2, तो ये निकल के आया 2.5। अब x की जगह लगाइए 2x+3y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 2.5+3y इज इक्वल टू 8, 3y इज इक्वल टू 8-5, 3y इज इक्वल टू 3, सो y की वैल्यू 3/3 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आया बेटा जी, y की वैल्यू आया 1, सो y इज इक्वल टू 1 हो गया, और x की वैल्यू हो गई 2.5।